नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कनीय कर्मचारी के खिलाफ जो केस दायर हुआ है उसके संबंध में हम आज बात करना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग तक बात पहुंचाना चाहते हैं। आपको बता दें कि वर्तनकारी शिक्षक महासंघ के द्वारा एक केस दायर किया गया है हाई कोर्ट में, जिसमें जैसे पूर्व में भी आपको याद होगा कि जीविका के माध्यम से जाँच करने की बात कही गई थी स्कूलों में, और उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाया था। उसी का रेफरेंस देते हुए अब जो अनुबंध कर्मी है या शिक्षक से कनिये हैं, यानी कि उनसे जूनियर हैं, फिर भी उनसे जो जांच कराई जा रही है उसके खिलाफ पत्रकारी शिक्षक महासंघ के द्वारा एक केस दायर किया गया है। इसमें सुनवाई उम्मीद है कि जुलाई में ही हो जाएगी। और जो के पाठक जी के द्वारा जो कनिये, जैसे मान के चलिए जो सचिव हैं या डाटा ऑपरेटर हैं, सांख्यिकी पदाधिकारी हैं, और आपको पता है कृषि समन्वयक, तो कई तरह के जो अनुबंध कर्मी हैं, डाटा ऑपरेटर हैं, उनके द्वारा जो जांच का जो बात कहा गया है, डीपीओ ऑफिस में जो किरानी है उनके द्वारा जो जांच का बात कहा गया है, तो ऐसे परिस्थिति में ये शिक्षकों के मान सम्मान के साथ खेलने वाली बात हो गई। और इस मान सम्मान के खिलवाड़ न हो इसके लिए हाई कोर्ट में एक अपील दायर किया गया है। और इस अपील को दायर करने के लिए मैंने एक संगठन के माध्यम से केस को हाई कोर्ट में फाइल कर दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो केस संख्या है और जो टोकन नंबर है वो क्या है, आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस केस को पर्यटनकारी शिक्षक महासंघ ने कितनी गंभीरता से लिया है। और पर्यटनकारी शिक्षक महासंघ किसी भी स्तर पर शिक्षकों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहती है। ऐसे परिस्थिति में शिक्षक का जो आंदोलन है, यानी कि 11 तारीख का जो आंदोलन है उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है। और जो संघर्ष समन्वय समिति है, साथ ही साथ जो मोर्चा बना है संदीप सौरभ के नेतृत्व में, उन सभी को समर्थन दिया गया है। और 11 तारीख को जो विधानसभा का घेराव करना है उस कार्यक्रम में महासंघ उसमें सम्मिलित होगा। तो कुल मिलाकर यह कहें कि महासंघ के द्वारा एक उचित कदम उठाया गया है और सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो जिस तरीके से जीविका के द्वारा जांच पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसी तरह से जूनियर जो शिक्षक से जूनियर है या अनुबंध पर बहाल हैं उन लोगों के द्वारा जांच पर रोक लगाई जाएगी। जांच से, मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि जांच से किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं है। इसमें जहाँ तक है कि विद्यालय का सुधार हो रहा है, लेकिन जिस आदमी को शिक्षा विभाग से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी नहीं है, उन लोगों के द्वारा भी जांच करवाना यह उचित नहीं है। कहीं ना कहीं उनके द्वारा जांच के नाम पर शोषण करने का काम किया जाता है, भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इन सब पर रोक लगाने के लिए यह आवश्यक है कि जो जाँच है उस जाँच को हर हाल में जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से कराया जाए, जो विभागीय पदाधिकारी हैं उनसे कराया जाए, या प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनसे कराया जाए। लेकिन किसी भी स्तर पर अनुबंध कर्मी या जो शिक्षक से कनिये हैं उन लोगों से, जूनियर हैं उन लोगों से जांच नहीं करवाई जाए। के पाठक जी से इस चैनल के माध्यम से भी हम मांग करना चाहते हैं कि कृपया कर ऐसे काम न करें जिसमें आपकी जो आपने विद्यालय सुधार के लिए जो पहल किया है समय पर शिक्षकों को जाने के लिए, या स्कूल का जो विधि व्यवस्था है, जो उसका संधारण होना है डाटा, उन सब में कमी नहीं की गई है। तो उसके लिए के पाठक जी की जहाँ तक है सभी लोग बड़ाई कर रहे हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, और हम लोग इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन कुछ काम जहाँ गलत हो रहा है उसे भी बताना मेरा फर्ज है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि इस पर सुधार होना आवश्यक है, इसमें सुधार की जाए और शिक्षक का जो मान सम्मान है उसका ख्याल रखा जाए। साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि समय पर विद्यालय शिक्षक जाते ही हैं, सब काम करते ही हैं। जब सारा चीज़ आप सुधार कर रहे हैं तो कम से कम जो शिक्षक का वेतन है उनको भी समय पर मिल जाना चाहिए। समय पर वेतन नहीं मिलने की वजह से शिक्षक बहुत सारे परेशानियों से गुजरते हैं। समय पर वेतन नहीं मिलने की वजह से जो माँ पिता का दवाई है उसका व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, जो बच्चों की पढ़ाई है उसका व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि जब आप शिक्षक से कार्य पूरे तल्लीनता से ले रहे हैं तो उन्हें वेतन भी आप या विभाग के द्वारा समय पर दिया जाए।
और समय पर वेतन न मिलेगा इस पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि शिक्षक अधिकतर लोन लिए होते हैं, उनके किस्त भरना होता है और 2 महीने 3 महीने लेट से वेतन मिलने की वजह से उन्हें फाइन भी भरना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है और शिक्षकों को कम से कम महीने के प्रथम सप्ताह में हो या जो महीने का अंतिम दिन है उस दिन वेतन देने की प्रक्रिया तेज की जाए। जब सब काम ऑनलाइन हो रहा है, सब काम जब ऑनलाइन के माध्यम से ही मिनटों में हो जा रहा है, तो फिर वेतन भुगतान इतनी देर क्यों हो जाती है? और विभागों में तो ऐसी बात नहीं है, और विभागों में समय पर वेतन मिलता है, कब किसको वेतन मिल जाता है पता ही नहीं चलता है, लेकिन शिक्षकों का वेतन इतना सारा उसको मीडिया में उछाल दिया जाता है, लोगों में उछाल दिया जाता है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ शिक्षक को ही वेतन मिलता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने की आवश्यकता है और के पाठक जी से अनुरोध है कि आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए और जब शिक्षकों पर आपने कड़ाई किया है, कड़ाई से आप कार्य ले रहे हैं, तो कड़ाई से उनका वेतन भी दिलवाइए ताकि शिक्षक मनोयोग से कार्य कर सके अपने फील्ड में। साथ ही साथ आपसे हमारा यह भी आग्रह है कि विद्यालयों में जब बेसिक शिक्षक हैं तो उन बेसिक शिक्षक से आप 6 to 8 का पढ़ाई करवाते हैं, आप हाई स्कूल में उनका डिप्रेशन कर दिए हैं, तो इन सारे चीज़ों को भी खत्म किया जाए। आप उन जगहों पर बहाल कीजिए, या अगर बहाल नहीं करते हैं जिनसे पढ़ाई लेते हैं, जिनसे काज लेते हैं, उनका अतिरिक्त वेतन भी भुगतान करें। सिर्फ आप काज लेते हैं और डाइस फर्म में भी लोग, अभी मैंने इस शिक्षा कोर्स का भी प्रशिक्षण लिया, इस शिक्षा कोर्स में साफ तौर से उसमें डालना है कि आप किस किस क्लास में पढ़ाते हैं, तो आप जान रहे हैं कि जो शिक्षक 1 to 5 के हैं, और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा एक पत्र भी निगत हुआ था कि प्राथमिक शिक्षक जो 1 to 5 में हैं वो 1 to 5 को ही पढ़ाएंगे, 6 to 8 में है वो 6 to 8 में ही पढ़ाएंगे। तो जो 2003 से लेकर के 10-11 तक 12 तक जो बहाल हुए हैं शिक्षक, वो तो 1 to 8 तक में बहाल हुए, लेकिन उनकी कोई कैटेगरी नहीं हुई थी। लेकिन एक पत्र निकला था जिसके माध्यम से साफ तौर से कहा गया था कि उन्हें भी बेसिक शिक्षक ही माना जाएगा, चाहे आप मिडिल स्कूल में हैं चाहे प्राइमरी स्कूल में हैं, उसे कोई बहस नहीं है। तो कुल मिला के यह कहें कि वो भी बेसिक शिक्षक है, यानी 1 to 5 के लिए है। तो जहाँ मिडिल स्कूल है उसमें तो शिक्षक ही नहीं है, मेरे ही स्कूल की बात करें तो 6 to 8 में शिक्षक हैं ही नहीं, तो ऐसे परिस्थिति में 6 to 8 को पढ़ाएगा कौन? और जब जांच में 6 to 8 की पढ़ाई करने का क्रम में, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे विषय हैं, अब संस्कृत को ही ले लीजिए, तो संस्कृत का स्पेशलिस्ट टीचर होना चाहिए, विज्ञान का स्पेशलिस्ट टीचर होना चाहिए, गणित का स्पेशलिस्ट टीचर होना चाहिए, तो उसका शिक्षक नहीं है और पढ़ा कौन रहे हैं? तो 1 to 5 वाला ही पढ़ा रहे हैं और अच्छा से पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो आप तो शो कर निकाल देंगे, लेकिन आप वहाँ एक मिनट भी नहीं सोचेंगे कि ये 1 to 5 का शिक्षक है, बेसिक शिक्षक है, इन पर सोच कैसे निकालें। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है और इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर हम आपसे इस चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी बातें हमने कही हैं उनको आप संज्ञान में लें और इसे ठीक करने की कोशिश करें। साथ ही साथ हम बिहार के तमाम शिक्षकों से आग्रह करना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री, CM और पदाधिकारी तक पहुंच सके, शिक्षकों तक पहुंच सके। तो इसके लिए चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपना कमेंट फीडबैक के रूप में जरूर दीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। सही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।